विधानसभा में निंबायड़ा में औद्योगिक खेतर विस्तार रो उठाया गयो मामलो। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर कया निंबायड़ा में औद्योगिक खेतर विस्तार खातर कोई प्रस्ताव नहीं है विचाराधीन। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय कानीसु आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 नो करियो जावेलो आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई खास पहलारी करेला शुरुआत। डीडवाना कुचामन जिला रा केराब गांव में चार टाबरारी तालाब में डूबना सुवी मौत। पुलिस और प्रशासन एसडीआरएफ की मदद सु टाबरारा शवान ने पानी सु बाहर निकालिया। विश्व बाघ दिवस आज बाघारा संरक्षण खातर मनायो जावे है यो दिन। पूरा प्रदेश में कई कार्यक्रम वे रियो है आयोजन। और पूरा प्रदेश में सावन रा दूसरा सोमवार माते शिव मंदिरा में उमड़ियो आस्थारो सैलाब। श्रद्धालु भगवान महादेव रो जलाभिषेक करने खास पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि री कर रिया है कामना। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके सागे विकास और अब खबरा विगतवार। विधानसभा में आज निंबायड़ा में औद्योगिक खेतर रो विस्तार और राजस्थान में दूसरा राज्य रा एससी एसटी और ओबीसी वर्गारा लोगा खातर जाति प्रमाण पत्र और बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़िया परिवारा रो मामलो उठायो गयो। इन माथे जवाब देवता थका उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर कया कि निंबायड़ा में औद्योगिक खेतर रा विस्तार खातर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वटे ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत दूसरा राज्य रा राजस्थान में रेबा बाड़ा एससी एसटी और ओबीसी वर्गारा लोगा खातर जाति प्रमाण पत्र बनावारा सवाल रो जवाब देवता थका कया कि इन लोगा ने यो प्रमाण पत्र जारी नहीं करियो जा सके। हालांकि वे बताया कि एड़ा लोगारा टाबर ज्यारो जन्म राजस्थान में वियो है और अठे ही शिक्षा लेबारे साथे साथे वणारो मूल निवास प्रमाण पत्र बनियोड़ो है तो वणा ने नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र दियो जा सके है। मंत्री गहलोत बताया कि अगर दूसरा राज्य री एससी एसटी और ओबीसी वर्गारी महिलावा राजस्थान में रेबा वाला मिनक सु विवाह करे तो वणा ने भी अठेरो मूल निवासी मान्यो जावेलो। निंबायड़ा में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निंबायड़ा के किसी उद्यमी अथवा औद्योगिक समूह व संस्थान द्वारा वर्तमान में निंबायड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मांग नहीं की गई। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अथवा पुराने औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के संबंध में उद्यमों की मांग श्रम एवं कच्चे माल की उपलब्धता तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 21/10/2002 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे माइग्रेट व्यक्तियों की संतान को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची जिसमें अधिसूचित किया गया है में सम्मिलित है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। प्रश्न का खंड दो, गृह विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28/8/2012 के अनुसार उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती जो राजस्थान का मूल निवासी है और अपने पति के साथ राजस्थान में रहती है, सामान्यतः राजस्थान का मूल निवासी मान ली जाएगी, चाहे उसे राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्तें पूरी न की हो। नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड तीन, उक्त विवाहित महिला के संदर्भ में लागू नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड चार, जी नहीं, नियम की प्रति परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब पर संलग्न है। निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में भारत खातर पहलो पदक जीतकर इतिहास रच दियो है। मनु 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतियो है। वह ओलंपिक में भारत खातर शूटिंग में मेडल जीतवा वाली पहली महिला बन गई है। मनु भाकर फाइनल में 221.7 अंक हासिल कर तीसरी ठोर माथे रही है। मनुरी इन उपलब्धि माते वणा देश भर सु शुभकामनावा मिल रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वणा ने शुभकामनावां दीनी है। प्रधानमंत्री मनुसु फोन पर बात कीनी है। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि कई खिलाड़ियों खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूँ कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुशी, आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आप आपको दो प्रकार के क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जिसमें मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। आओ अबे आपने सीधा लेन चला पेरिस जठे। पेरिस ओलंपिक रे मायने शूटिंग इवेंट रो आयोजन हुए रियो है फ्रांस के मुलर के द्वारा और बहुत ही जबरदस्त समय संघर्ष देखने को मिल रहा है। शूटिंग में 10.6 का आखिरी शॉट था रमिता जिंदल का और वापसी की है उन्होंने टॉप 3 में। 94.3 का उनका ओवरऑल स्कोर रहा है। एक शॉट बाकी है उनका अभी सेकेंड सीरीज में। इस बड़े मंच पे टॉप 3 में भी रहना अपने आप में बहुत गजब का प्रदर्शन है, लेकिन आने वाले जो सीरीज होगी और वहां एक भी गलती आपको टॉप 3 के डगर से बाहर कर सकती है। जी हाँ, गलती की बात आपने की तो काफी प्रेशराइज शॉट था। देखिए आखिरी शॉट जो लगाया है रमिता ने वो 9.7 का रहा, काफी खराब शॉट और जिसके कारण सीधा तीसरे स्थान से सातवें स्थान पर आ गए हैं। लेकिन तो पेरिस थे देख रहा था सीधो प्रसारण जटे भारत की तरफ से रमिता जिंदल शूटिंग में आपरी परफॉर्मेंस दे रही थी। बढ़ा अगली खबर में थे शिक्षा मंत्रालय कानीसू आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 रो आयोजन वेलो। यो कार्यक्रम नई दिल्ली रा मानेकशॉ सेंटर रा ऑडिटोरियम में आयोजित वेलो। इन मौका माते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे वेला। कार्यक्रम में वे कई खास पहलारी शुरुआत करेला। शिक्षा समागम नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहेंगे और NEP 2020 लागू होने के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान छात्रों और शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पुस्तकों और व्याख्यान नोट्स का भी अनावरण करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने का उत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में की गई है।
ताकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया जा सके। डीडवाना कुचामन जिला रा केराब गांव में चार टाबरारी तालाब में डूबना सु मौत वेगी। ये टाबर काल रविवार री छुट्टी होबा माथे तालाब रे कने खेलबा माथे गया है। इन दौरान तालाब में नहाबा खातर उतरिया था, तेरबो नी जानबारे कारण चारों टाबर पानी में डूब गया, जिन सुवना री मौत वेगी। घटना री सूचना मिलबा माथे पुगी पुलिस और प्रशासन री टीम एसडीआरएफ री मदद सु रात ने चारों टाबरा रो शव पानी सुबारे निकालिया। पुलिस पोस्टमार्टम करवान शव परिजन ने सौंप दियो है। इसमें चार बच्चों की मृत्यु हो गई है, दुखद घटना है। कल रात्रि के अंदर करीबन 9:20 पर सूचना मिली केराब गांव से कि केराब गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर तालाब है, वहां पर 2 बच्चों को ग्रामीणों ने बोला हमने बाहर निकाल लिया और 2 बच्चे अंदर डूबने की आशंका हो रही है। जिस पर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर क्योंकि अंधेरी रात थी, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी, तालाब के अंदर भी झाड़ियाँ उगी हुई थी। उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी महोदय एडिसन साहब डीडवाना, एडीएम साहब डीडवाना व अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार एसडीआरएफ की टीम नागौर से मौके पर आई, उसके बाद में सिविल डिफेंस की टीम भी आई। सिविल तैराक जो बलदेवा राम जी है वो मौके पर आए, जिन्होंने अपने प्रयासों से 2 बच्चों को तलाई में से बाहर निकाला। जनरेटर व अन्य हेलोजन लाइटों की व्यवस्था ग्रामीणों के सहयोग से करवाई गई। इस घटना से बहुत दुख है सारा पूरे गांव में और आसपास के जितने भी लोगों को सूचना मिली इस प्रकार की। बच्चे थे, नादान थे, 12 से लेकर 13 साल की उम्र के थे और पूरे गांव में शोक की लहर है। सब लोग चिंतित है इस बात को लेकर और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि चारों ही बच्चे बहुत ही बेहद गरीब आर्थिक स्थिति से बिलोंग करते हैं तो उनको अच्छी सुविधा मिले, मुआवजा मिले, ये सब हम प्रशासन से मांग करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जानसु मारबारी धमकी देबा वाला मामला में पुलिस आरोपी ने दोसा जिलारी शालावास सेंट्रल जेल से छानबीन करने पकड़ लीनो है। एएसपी लालसोट लोकित सोनवाल बताया कि आरोपी शनिवार देर रात ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने मुख्यमंत्री ने जानसु मारबारी धमकी दी थी। इन माथे कार्रवाई करता थका पुलिस आरोपी री लोकेशन ट्रेस कर जेल में सर्च ऑपरेशन चलायो। इन दौरान आरोपी री पिछाण कर जेल से 10 मोबाइल बरामद कराया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करवा में जुटी रही है। जयपुर से इतला मिली दोसा पुलिस को, किसी ने सालावास जेल से कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर टेलीफोन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जान के लिए एक थ्रेड दिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए या उसको जिस आदमी ने थ्रेड दी या जिस आदमी ने इस प्रकार की गतिविधि की कृत्य किया उसकी तलाश के लिए और जिस मोबाइल से की उसको दस्तयाब करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए। जो पहले जो हमारा थर्ड पर्सन था उसको हमने सबसे पहले लोकेट करने का प्रयास किया, भाई ये मोबाइल नंबर कहाँ संचालित हो रहा है, उसकी हमने लोकेशन निकाली। लोकेशन हमारी अमुक बैरक के सामने, उस बैरक से हमने उस आदमी को दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उसके पास से पोजेशन से मोबाइल रिकवर किया और उस आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया। आज विश्व बाघ दिवस है। इन बार रिथीम बाघों के संरक्षण और उनके आवास को होने वाले नुकसान, शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष रा खतरा खातर जागरूकता लानी है। बाघारी संख्या में कमी पाछे 2010 में बाघ संरक्षण खातर सेंट पीटर्सबर्ग समिट में बाघ दिवस मनाबारी शुरुआत करेगी। भारत में लाडला 4 साल में बाघारी संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई है। आकलन रे मुजब विश्व रा 70% बाघारो घर भारत है। वठे राजस्थान ने बाघारा संरक्षण खातर जानो जावे है। अठे रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदगढ़, रामगढ़ और करौली धौलपुर बाघ अभ्यारण है। प्रदेश में बाघारी संख्या में लगातार बढ़ोतरी फेरी है। विश्व बाघ दिवस के मौके पूरा प्रदेश में कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीकर जिला में भी सावंडा सोमवार माथे शिवालय में भक्तारी भीड़ उमड़ रही है। अठेरा पशुपतिनाथ, नागेश्वर, नीलकंठ, त्रिमूर्ति, राधाकृष्ण मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालय में श्रद्धालु महादेव रोज जलाभिषेक कर बिल पत्र चढ़ान पूजा अर्चना कर रहा है। श्री कल्याण मंदिर धामरा महंत विष्णु प्रसाद शर्मा बताया कि सावंडा महीना में भगवान शिव री पूजा रो खासो महत्व होवे है। इनने आराधना और अध्यात्म रो महीनो मान्यो जावे है। और अब खबरा मौसम सु। प्रदेश में मानसून ने बिरखारो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला में कुछ एक ठोरा माते
भारी बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम विभाग ने मुजब सबसू बत्ती अलनोद में 166 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। इंडिया अलावा पाली में 30 मिलीमीटर पानी बरसो है। मौसम विभाग ने मुजब पूर्वी राजस्थान में 1 जून से 28 जुलाई तानी सबसू बत्ती 433.3 मिलीमीटर बरखा धौलपुर में दर्ज करी गई है। वही पश्चिमी राजस्थान में चूरू में 242.4 मिलीमीटर बिरखा हुई है। और राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक फेरू। विधानसभा में निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार रो उठाया गयो मामलो। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर कया निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार खातर कोई प्रस्ताव नहीं है विचाराधीन। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय कानीसु आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 रो करियो जावेलो आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई खास पहला री करेला शुरुआत। डीडवाना कुचामन जिला रा केराब गांव में 4 टाबरा री तालाब में डूबना सुवी मौत। पुलिस और प्रशासन एसडीआरएफ की मदद सु टाबरा रा शवान ने पानी सु बाहर निकालिया। विश्व बाघ दिवस आज बाघारा संरक्षण खातर मनायो जावे है यो दिन। पूरा प्रदेश में कई कार्यक्रम वे रियो है आयोजन। और पूरा प्रदेश में सावन रा दूसरा सोमवार माते शिव मंदिर में उमड़ियो आस्थारो सैलाब। श्रद्धालु भगवान महादेव रो जलाभिषेक करने खास पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि री कर रिया है कामना।